ओम शांति। आज है 13 नवंबर 2022। आज हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा की मधुर वाणी। यह रिवाइज कोर्स चल रहा है जो मुरली 10 दिसंबर 1992 को चली थी, उसी को आज सुनेंगे। वाणी का सार, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा ने आज की अव्यक्त वाणी में कही है। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों के साथ संबंध है, जैसे सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, गायन होता है। स्टैच्यू मूर्ति बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। तो इसलिए हम सब आत्माएं बहुत भाग्यशाली हैं, अति भाग्यशाली हैं कि पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म के आत्माओं की नहीं होती, है ना। बहुत स्पेशल बात, आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देव आत्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है। जैसे आप देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसे क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो।
अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो, तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं। नियरेस्ट और डियरेस्ट, नियरेस्ट और डियरेस्ट, ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं, आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो व सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है, सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है, वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को पानी मिलता है, सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है, वह बेहद से हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। हम सब क्या हैं? सर्व आत्माओं की, हम सब सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हैं। तो बाबा आज की अव्यक्त वाणी में कह रहे हैं कि हमें पूर्वज बन करके सभी आत्माओं की पालना करनी है। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो तो हे पूर्वज आत्माएं, ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है? हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं, यह सब हमारे हैं व सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं? जब भाई भाई कहते हो तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है, तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर्स की पालना करते हो या सारे विश्व के आत्माओं की पालना करते हो? बाबा सवाल पूछ रहे हैं बच्चों से कि सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व के आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति का पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है, तो हे पूर्वज अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा बहुत
पहुंच जाते हैं, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सब ने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए व सुनने का ही आनंद लिया, अपना पूर्वजपन स्मृति में आया, सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की या यही सोचते रहे यहाँ यह हुआ वहाँ यह हुआ। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की व जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए, यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना, समझा क्या करना है। अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो। अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। यह फर्ज अदाई कर सकते हो, दूर से भी कर सकते हो या जब सामने आएंगे तब करेंगे। कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है तो आपकी सेवा भी और तेज हो, समझा। पूर्वजों की पालना क्या है, ऐसे नहीं कि पूर्वज हैं लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना, श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कैसे याद प्यार दिया और किसको दिया? चारों ओर के सर्व आदिदेव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात, दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्मा को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया? वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। क्या किया हमने, क्या किया ये बाबा पूछ रहे हैं। इसका हमें क्या करना है? सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो।
वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो लेकिन है तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं लेकिन जड़ तो एक ही है। ये लहर है पूछ रहे हैं। तो बाबा आज की मुरली में गुह्य पॉइंट्स हमें दे रहे हैं। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं लेकिन जड़ तो एक ही है। ये लहर है नहीं है, अटेंशन प्लीज। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात में बाबा व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो, इस पर विस्तार करके बाबा बता रहे हैं। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो पुरुषार्थ में? कभी भी कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? बाबा पूछ रहे हैं, स्वस्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है क्यों? यह स्व है, वह पर है, अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे आता है। आधा कल तो नीचे ही आते रहे ना, बोझ वाला सदा नीचे जाता है, आधा कल तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का, तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है, पाँव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना, चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं, तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो, आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है, ये सवाल पूछ रहे बाबा। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हैं? खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति में आगे बढ़ो, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा सभी खुश रहते हो ना, दुख की लहर तो नहीं आती? बाबा सवाल पूछ रहे बच्चों से, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर
कैसे आ सकती? संगम पर दुखधाम और सुखधाम दोनों का ज्ञान है, दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, गलती से भी दुखधाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो, ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा? अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे थे अच्छे। वरदान, आज के वरदान में बाबा कह रहे हैं, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल हो, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। क्या कर सकती है? हमें धोखा दे सकती है। तो आज बाबा ने क्या कहा कि यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। अगर स्मृति स्वरूप है तो हीरे समान है, और अगर विस्मृत होते हैं तो माना हम पत्थर हैं। तो कितनी वैल्यूएबल बात आज की मुरली में बाबा ने आज इस वक्त कही। अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव, यानी हमें इस चक्कर से मुक्त रहना है। सदा संगम युग के रहवासी अपने को सोचकर संगम युग की स्थिति में ही रहना है। स्लोगन है, अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। ओम शांति।